डॉक्टर शाहिद कुरैशी इज द प्रोग्राम डायरेक्टर इंसेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट आईबीए कराची. ही हैज अ पीएचडी इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन एंड एमबीए फ्रॉम राम्स एंड अ मास्टर्स डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन काफी हो गए सर। मैनेजमेंट फ्रॉम से काफी नहीं सर ऐसे कैसे. अच्छा ही हैज सर्व्ड एज विजिटिंग फैकल्टी एट बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस जर्मनी कैप्टन स्कूल ऑफ बिजनेस. मुश्किल बातें नहीं कही थे आपकी बस जुबान में काफी हो बात गए है. हैं। शायद साहब बहुत आसान बातें करेंगे और आप बिल्कुल ही इज वन जी ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल यू वुड कम अक्रॉस व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. ओवर टू यू शायद साहब. द सब्जेक्ट इज ये जो डिजास्टर क्लाइमेट चेंज कोरोना COVID-19 ऐसे हालात में हम लोकल देसी रियाई सोल्यूशन कैसे बनाए. औखी औखी बातें नहीं माशाल्लाह सादी बात है. ओवर टू यू. माशाल्लाह। तो मिराज साहब बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तो आई एम सो हम्बल्ड। मैं एक्चुअली 1-1.5 घंटे से सुन रहा हूँ आपकी बातें माशाल्लाह, और मैं भी आया था। मैंने कहा मैं भी जरा अपने नौजवान लोगों की बातें सुने सीखें। तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जी कि जनाब को ऐसी चीज़ें विजडम की जो अल्लाह को पसंद है, जिसका फ़ायदा है, वो मेरे दिमाग से आ जाए। तो बस मेरे अजीजों, मेरे भाई ने इतना लंबा तारुफ कराया, लेकिन असल में मेरा ख्याल है ये कि आई हैड टू अनलर्न लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच वर लर्न फ्रॉम दीज प्लेसेस। जिन जगहों का नाम हमारे महाराज साहब ने लिया है, वहां से ना अनलर्निंग करनी पड़ गई। तो लम्स में, AIT बैंकॉक में, UET लाहौर में, जर्मनी में और हार्वर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी। और हमारे भाई फसी साहब भी अभी फरमा रहे थे, तो हमें क्या अनलर्न करना पड़ा। सबसे पहले जो अनलर्निंग है ना, वो ये है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस माने में हम समझ रहे हैं ना, उस माने में इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि बोलने की प्रैक्टिस करना। तो वो अल्लामा इकबाल जो हमारे मशहूर शायर हैं, मशरक हैं, आज उनकी बरसी भी है, तो ये फरमा गए, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, पीपल टॉक बट माई टॉक इज डिफरेंट। वो कहते थे यार ये लैंग्वेज और जार्गन्स का मोहताज नहीं होता। ये जो हमारी गुफ्तगू है ना, ये किस चीज़ का मोहताज होती है? इश्क के दर्द मंद का तर्ज़ कलाम और है। यानी जिसको अपने काम से, अपने हॉबी पैशन जिससे जुनून होगा ना, उसकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी होगी ना, उसकी उसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं भी होगी ना, तो वो इंशाल्लाह बात कर जाएगा। तो ये जो असल में थोड़ा सा मसला ये हुआ कि स्टैनफोर्ड मॉडल का और पिचेस का के साथ एक डायलम्मा ये हो गया है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी पिशिंग की ट्रेनिंग पर लग जाती है, और अपने काम से जुनून और जो इश्क है ना, वो पीछे रह जाता है। तो आई अंडरस्टैंड स्लाइड्स की भी इम्पोर्टेंट है, पिच डेक की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अपने काम से इश्क और जुनून, स्लीप, ईट एंड ब्रीथ विद योर आइडिया है, वो सबसे पावरफुल चीज़ है। और ये मैंने कहाँ से सीखा, ये जो मेरी इसका आगाज है, थोड़ा सा मैं वो हमारे पास टाइम कितना जी महाराज साहब? 30 मिनट्स आई थिंक जी, 20 मिनट्स। ओके, तो उसमें तो 5 मिनट गुजर चुके आई थिंक। तो उसमें जनाब मेराज भाई, इसमें जो सबसे पहली जो मेरी अनलर्निंग हुई, तो उसका आगाज हुआ, वो और जगहों से भी हुआ, लेकिन एक सिग्निफिकेंट आगाज हुआ, ये अनवर डार साहब हैं गुजरांवाला के एक सनतकार, और ये इनके पास FSC का भी सर्टिफिकेट नहीं है, एंड ही कांट स्पीक इंग्लिश एंड ही कांट स्पीक अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट, उनका एक्सेंट है ही नहीं, और वो पंजाबी को मिक्स करते हैं और उर्दू। तो उन्होंने मुझे हायर किया 2004 में, और मैं लम्स से जब फारग हुआ तो वो लम्स आते थे और कहते थे कि शाहिद भाई, मैं खोखे पे चाय बेचता था, इनका इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है IBA की। तो वो डार साहब कहने लगे, शाहिद भाई मैं तो चाय बेचने से काम शुरू किया था, अब मैं डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी का मालिक हूँ, और अब मैं फलां कंपनी भी बना चुका हूँ, अब हम सोच रहे हैं कि गुजरांवाला के लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और वो यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पैदा करे और उन लोगों के अंदर वो जुनून पैदा करे, वो बच्चे जो फैमिली बिजनेस हैं और खरात के और प्लास्टिक के और सिरामिक्स के गलियों मोहल्लों में जो काम हो रहे हैं, और उनकी उनके नंबर अच्छे आएंगे ही नहीं, वो तो कभी लम्स IBA फास्ट UET NID पहुंचेंगे ही नहीं, उन्होंने क्या कसूर किया शायद भाई? तो वो लम्स आया करते थे, एंड ही वांटेड टू एंगेज सम लम्स फैकल्टी, तो वो कोई तैयार नहीं हुआ। तो उस जमाने में मेरा उनसे तारुफ हुआ, और वो तारुफ के नतीजे में आई फेल इन लव विद दिस आइडिया, एंड 2004 आई मूव टू गुजरांवाला।
तो उस वक्त मैंने डार साहब के साथ काम किया है जो, और उन्होंने कहा शायद यार अपना जो है ना सीवी भी, अपना हायरिंग लेटर भी खुद लिख लो। सो आई रोट माई हायरिंग लेटर माई सेल्फ, आई हियर बाई हायर मिस्टर शाहिद कुरैशी एज चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट, एंड उन्होंने थप्पा लगा दिया। तो डार साहब के साथ हमने ये देखा है कि ही इज अ ग्रेट लर्नर, यानी वो एक ऐसा आदमी है जो एफ ए फेल है लेकिन वो लम्स के एम बी एज और पी एच डीज को, बॉस्टन के और ऑस्ट्रेलिया के पी एच डीज को मैनेज कर रहा है। Is getting things done out of that. तो ये जो entrepreneurial mindset है ना मेरे प्यारे अजीजो, ये jargons का और pitches का और decks का मोहताज नहीं है। And you know, I was raised in the US, I can speak American accent. लेकिन उसके वो सारी unlearning करने पड़ गई कि जो हम cases पढ़ा रहे हैं Harvard model के, और जो हमारा education system है वो एक ऐसे बच्चे produce कर रहा है, एक ऐसे लोग, या मैं share कर सकता हूँ if I remember, या वो ऐसे लोग produce कर रहा है जो, you can share your screen, Shahid sir. And where is share the screen will be? Share the. अच्छा जी, नजर नहीं आ रही अभी। तो वो ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जो रिसोर्सेज के मोहताज हैं। यानी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, किसी भी मेडिकल कॉलेज का, किसी भी बिजनेस स्कूल का बच्चा बच्ची लेंगे, वो उसको ये सिखाया जाएगा कि जनाब आपको रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें दी जाएंगी, एंड यू विल हैव टू डू समथिंग एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद रिसोर्सेज। तो हमारे दिलो दिमाग में इस सारी एजुकेशन का खुलासा ये है, द होल एजुकेशन विच इज गेटिंग फ्रॉम कराची से लेकर पेशावर तक, और बालाकंड और कश्मीर और गिलगत तक, और हार्वर्ड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, इस सारी एजुकेशन का जो खुलासा ये है कि आपको चीजें दी जाएंगी, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, मार्केटिंग, मटेरियल दिलेगा, आपने कुछ करना है। तो अब ये जो मॉडल है ना, ये फ्लॉड मॉडल है एक्चुअली। ये जो मॉडल है ये इसको, ये दिस किल्स एंटरप्रेन्योरशिप। और अल्लामा इकबाल कहते थे ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अगर तू जिंदा है ना, अगर इफ यू आर अलाइव तो क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया खुद पैदा कर। और अपनी दुनिया खुद कैसे पैदा करोगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दिमाग दिया है, तुम्हें एक सोचने की सलाहियत दी है, तुम्हारे एक खानदान में, घर में पैदा किए, तुम्हें कोई शौक और हॉबी दी है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी स्किल और खूबी पैदा की गई है जिसके अंदर कोई महारत तुम्हें गॉड गिफ्टेड में मिलेगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तुम पॉलिश कर सकोगे बचपन में, स्कूल में एडवेंचर करते हुए, और इन सब के मिक्स से इसको हम कहते हैं द बर्डन हैंड प्रिंसिपल। तुम्हारा जो बर्डन हैंड होगा वो इतना यूनिक और मुनफरिद होगा कि उस जैसा बर्डन हैंड दुनिया में किसी के पास है नहीं। जो तुम अपने बर्डन हैंड से चलोगे तो प्यारे बच्चों, तो पिचेस भी हम करेंगे इंशाल्लाह, डेक्स भी देंगे, हैकाथॉन में भी हम जाएंगे, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होगा। हम इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स बात की बात है, इन्वेस्टर्स आर लाइक गियर 4 और 5 ऑफ द कार। मेरा ये गाड़ी का ना चौथा और पांचवा गियर है, गाड़ी को पहले पहले दूसरे तीसरे गियर में चलाना है। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये बड़े सेल्फिश लोग होते हैं, ये माजरत के साथ नहीं कह रहा, अमेरिकन लिटरेचर कह रहा है कि दे आर वेरी सेल्फिश, दे आर वेरी, जहाँ पैसा मिलता है वहां से, और ये इंसानों को थोड़े, तो पैसों को, हम सारे जितने भी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के लोग हैं, दे ट्राई टू अवॉइड तीसरे गियर में। तो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का जो लेसन अपने अपने साथियों से शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि जनाब तो मेरे प्यारे साथियों, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब होता ये है कि हम जो है ना एक्सटर्नैलिटीज की तरफ हमें डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमारा एकेडमिक्स, ये हमारा जो मैनेजमेंट का जो एजुकेशन का करिकुलम है जो अमेरिका से आया हुआ है और हम इसको पढ़ा रहे हैं इधर उधर स्ट्रैटेजी के नाम से, ओबी के नाम से, मार्केटिंग के नाम से, वो हमें ये दिलो दिमाग में ये बात डाल देता है कि जैसे अभी हमारे फसी साहब कह रहे थे, मतलब वो किसी हद तक वो बात में अग्री भी करूंगा, लेकिन ये आपके अपने दिमाग के लिए वो सही नहीं है चीज़ें। ये जो पिच डेक के वो बातें कर रहे थे, वो इन्वेस्टर को चौथे गियर में आप हों तो उसको कन्विंस करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को कहना शुरू कर दिया है कि मैं अपनी सेगमेंटेशन करूंगा पहले, और मैं अपने मार्केटिंग रिसर्च करूंगा पहले, और मैं ट्रेडिशनल टूल्स स्वॉट एनालिसिस करूंगा पहले, तो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो ट्रैप ये है कि आप
आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के ट्रैप में फंस जाते हैं, और उस ट्रैप में आप अपने रिसोर्सेज को डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिटिक्स और ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। इसके मुकाबले में जो लीन स्टार्टअप्स हैं या इफेक्टुएशन थ्योरी जिसको कहते हैं, वो ये कहती है कि क्रिएट ए स्मॉल इफेक्ट विद व्हाटएवर यू हैव, कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, दिलो दिमाग, कॉलेज की लैब, यूनिवर्सिटी। अब अमेरिका में एक केस मैं पढ़ाता हूँ जिसका नाम है आई लिंक। ये दो बच्चों का केस है, दोनों इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर है, एक ने इकोनॉमिक्स की है, दोनों एमबीए कर रहे हैं, एक टर्किश लड़का है। ये एमबीए करते हुए शाम को क्या करते हैं, जॉब करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में जॉब करता है। एक तो पहला असूल हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल पढ़ाई का जमाना इस कोविड के बाद खत्म होने वाला है, कि जनाब आप 4 साल के लिए एनरोल हो गए और उसके बाद अल्लाह के बंदो आपको तो क्लास 7 से कोई काम करना चाहिए, क्लास 6 से कोई काम करना चाहिए, कोई इंजीनियरिंग का, कोई एनालिटिक्स का, कोई एग्रीकल्चर का, कोई फार्मिंग का, ट्राई टू फाइंड आउट हु यू आर, उसके अंदर से ये काम करना चाहिए। तो वो ये जो उसलूल साहब थे, ये चूंकि टर्की से आए थे तो ये गैजेट्स बनाते थे, सर्किट बनाते थे। तो अमेरिकन प्रोफेसर ये कर एमबीए रहा है लेकिन शाम को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जॉब करता है, और वहां पर जिनका जो बॉस था, प्रोफेसर थे, वो स्काइप बना रहे थे उस जमाने का। तो स्काइप बनाते बनाते इसने उसमें रोल प्ले किया और वो मिनिमम वायबल टेस्ट हो गया। अब उस्ताद और शागिर्द दोनों ने सोचा कि अब इसका बिजनेस प्लान बनाते हैं और हम इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं महाराज साहब। तो इन दोनों ने अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर थे, रेंसलर पॉलिटेक्निक, उनके पास चले गए। अब उस जमाने के जो प्रोफेसर है ना हमारे, वो भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अनक दूसरी पहनी हुई थी बिजनेस प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि आप 70 सफ़े का बिजनेस प्लानिंग का डॉक्यूमेंट बनाओ। उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुरू कर दी, रिसर्च शुरू कर दी, क्वेश्चनर बनाना शुरू कर दिए। तो वो जो तवज्जो थी ना, वो तो प्रोटोटाइप से हट गई। आप उसके मुकाबले में वो उस प्रोटोटाइप को बेहतर बनाते, 5-6 कस्टमर्स के बाद जाकर सुबह दोपहर शाम उनके आगे बिक जाते, उनको उनको पेश करते, एक्सपेरिमेंट करते। तो उस कहानी में ये होता है कि वो वहां से फिर जब नाकाम होते हैं तो कहते हैं यार बिजनेस प्लान एक तरफ रखो, ये 8 लाख $20 लाख पता नहीं कब आएंगे, ऐसे करते हैं कि हम $5,000 डालते हैं। तो दो शागिर्दों ने और प्रोफेसर ने तो तकरीबन $10,000 $3,000-$3,000 इकट्ठे किए, $10,000 लिए। उन्होंने महाराज साहब ये किया है कि प्रोफेसर ने कहा कि मेरे घर का बेसमेंट खाली पड़ा हुआ है, वहां दफ्तर बना लेते, और जब और जो यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर लैब है ना, उसमें 5-6 कंप्यूटर फ्री मिल जाएंगे, यार मैं डीन से बात करता हूँ, वहां से ले लेते हैं। और इस तरह करते हैं कि पुराने कुर्सियां और मेज पड़े हुए हैं, वो मैं उठा कर ना अपने दादा नानी के घर से बोल इधर लेकर आ जाता हूँ, एक पुराना फ्रिज है वो भी उधर रख देते हैं, ये दफ्तर बन गया और लैब मिल गई, और ये जो पैसे जमा हुए हैं ना, इससे कोई 2-3 आरे रख लेते हैं, और वो जनाब काम शुरू हो गया। यानी बिजनेस प्लान जो 70 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, वो जो डेच पिच डेक थी, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चौथा और पांचवा गियर है, और कभी कभी पहले दूसरे गियर में भी ये काम आ जाती है। मैं टोटली नफी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऑन टॉप ऑफ इट, वो जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, वो कहाँ से आएगा। और इकबाल कहते थे ना, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम, वो जो दर्द कहाँ से आएगा, वो जो पेन है, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की बस की बात नहीं है, ये इन इदारों के बस की बात नहीं है कि ये आपको पेन दे सकें, ये आपको वो दर्द और मकसद हयात दे सकें, ये इस बियॉन्ड देयर अप्रोच नाउ। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन, अभी मैं यूएस जाने का मौका मिला तो एक आर्टिकल है गार्डियन का, वो कहते हैं बुलडोज डाउन दीज बिजनेस स्कूल्स, अरे इनको गिरा दो, क्योंकि ये बैसाखियों का सहारा लेना सिखाते हैं, आपने दुनिया आप पैदा करना, ये जो हमारे जानवर है ना, कि ये हमारी शहद की मक्खी ने कौन सा बीबीए किया है, ये बीकन हाउस गई है, ये इंसीएड लंदन गई है, वो जनाब पूरी टीम के साथ मिलकर हनी बी का पूरा एक इको सिस्टम बना देती है, पूरा इको सिस्टम चलाती है। ये बीवर का केस मैं पढ़ाता हूँ अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में, एक यूएस का एक एनिमल है, वो बीवर साहब जो है अपने बेगम के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके एक पूरी झील बनाते हैं, और एक ही एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है जिसे 30-40-50 एकड़ का, तो बीवर की वीडियो अब अवेलेबल है यूट्यूब पे देखें। तो यानी वो बीवर साहब ने कौन सी सिविल इंजीनियरिंग की, मैं ये नहीं कह रहा कि एनडी भी जाए, जीआईके को भी अल्लाह आबाद रखे और इदारों को भी, लेकिन इफ यू नॉट हैव द माइंड सेट तो वो आप न्यूमेरिकल करेंगे, मिट देंगे, फाइनल देंगे, मेमोराइज करेंगे और सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल आए। तो वो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट था, वो जो उस्ताद और शागिर्द का,
वो बगैर पैसे के और बगैर पिच डेस्क के डेस्क के और बाद में फिर दिए भी उन्होंने, वो कंपनी $40 मिलियन की बिक जाती है। और वो ये उनका प्रोफेसर कहता है कि यार नहीं लेनी है इन्वेस्टमेंट हमने किसी से, क्योंकि ये इन्वेस्टर थे शार्क्स, ये जो शार्क्स हैं ये तो हमारी ओनरशिप खा जाएंगे, सारी इक्विटी ले जाएंगे। तो मैं इसको भी मैं टोटली जो लोग कहते हैं दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हैं, हम इन्वेस्टर्स के पास भी जाएंगे, हैकाथॉन्स को भी हम सलाम करेंगे, ये एटलीस्ट एक मौका दे रहे हैं हमें सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, लोगों से मिलने का, आइडियाज को पॉलिश करने का। तो मेरे ख्याल में कि जो माशाल्लाह जो सवाल किया महराज भाई ने कि ये जो इस कोरोना वायरस ने हमारे मिथ्स तोड़ने में रोल प्ले करेगी, वो जो मिथ्स थे ना कि दफ्तर होगा, गाड़ी होगी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होंगी, बड़े बड़े सेटअप्स होंगे, फिर हम काम करेंगे, आई थिंक इसने वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया। और वो हम कहते हैं ना कि हर घर से हम नारा लगाते हैं, हर घर से मेमन निकलेगा, तुम कितने हर घर से मेमन, मेमन का क्या मतलब है, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, तो आप ही दुनिया आप पैदा करना, तो इसको इफेक्चुएशन भी कहते हैं। इसमें सारे सती साहब ने काफी काम किया, हेनरी मिंसफोर्ड, गोरों के नाम थोड़े से मैं भी ले देता हूँ, तो दो चार गोरे भी हैं, कुछ पाकिस्तानी और कुछ माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमारे जवानों में, और IBA में थोड़ा सा बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंक्यूबेशन सेंटर भी है, बट वी डोंट बिलीव इन एनी एनी यूनिवर्सिटी। हम कहते हैं आप ही दुनिया आप पैदा करो यार, जो अपने चचा अम्मी अबू से नहीं ले सकता ना, उसको कहीं से नहीं मिलना चाहिए, जिसके उसको ससुराल वाले ददियाल वाले ननिहाल वाले नहीं दे सकते ना, उसको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, जिसको अपना भाई बहन बीवी ना दे सके ना, अपना हस्बैंड ना जिसको दे सके, उसको कहीं से नहीं मिलना चाहिए। तो पहले वहां से लो, उसके बाद अगले स्टेप में आओ, फिर अगले में आओ। और ये जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश से नहीं ठीक होंगी, ये दर दर फिरने से ठीक होंगी, लोगों से मोहब्बत से पेश होंगी, आजजी इंकसारी एंटरप्रेन्योरशिप का पैगाम है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे। होता कुछ यूं है कि कहानी जो है ना वो कहीं और ही निकल जाती है, हम कहीं और के सैयद हो जाते हैं, लोग कहीं और के सैयद हो जाते हैं। तो आई वुड वांट टू मेंशन फ्यू थिंग्स, जो बात डॉक्टर साहब ने की है इट हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर साहब की कुल कायनात जो है वो एंटरप्रेन्योरियल पैशन है, और ये इफेक्चुएशन थ्योरी जो है ना ये बहुत सच्ची थ्योरी है, यही वजह है जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम की चीजें फेल हुई हैं आज तक, क्योंकि हमने ख्वाब बहुत और देखे हैं और जागती आंखों में हमने ख्वाब मरते देखे हैं, क्योंकि नॉमन गेहूं इकट्ठा होगा तभी राधा नाचेगी, तो नॉमन गेहूं तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो वो काम तो रुक जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चाहूँ कि जो आपको पिच डेक में चीजें देनी है आप उनको अंग्रेजी में दें, आप उर्दू में दें, आपको ये मतलब, वो जो दो भाई थे ना उन्हें ये पता था कि उन्होंने कहना क्या है, जी ठीक है, उन्हें ये पता था कि उन्होंने किस दुकान पे जाना है, उन्हें ये पता था कि वो टेलीकॉम इंजीनियर है, उन्हें ये पता था कि मैंने क्या बनाना है, उनको पता था मैंने टांका ये गाने का आईफोन ठीक करने का $15 लेना है, उन्हें ये पता था कि यार 5-5 हजार डाल दो, 2 महीने में $5,000 वापस आ जाएगा। तो दे हार्ड दे कस्टमर बेस। आपने इस बात को कहीं और के इस्तेमाल नहीं कहीं ना, मतलब घर की शादी छोड़ के तबीक में ना निकल जाए, आप जो है वो इफेक्चुएशन थ्योरी को देखे। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कह दी आपने महराज भाई, ये तो माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी यू। सो वन थिंग दैट आई वुड वांट टू आस्क डॉक्टर साहब सेकंड, कि आपको ये पता होना चाहिए डॉक्टर साहब, वेरी ब्रीफली, डॉक्टर साहब की एक बहुत खूबसूरत किताब है जो अब कहीं और है, लेकिन चनियोटियों का बिजनेस मॉडल बनाया था डॉक्टर साहब ने, जो साहब के साथ मिलके, वो सीनियर थे हमारे, मैं छोटा हूं उनके। और उस किताब का पहला ड्राफ्ट जो है कामयाब योग का मैंने डॉक्टर साहब के दफ्तर में देखा था, और वो इट टेल्स के हाउ द कंप्लीट जर्नी इज। सो आपने लोकल इशूज, दिस इज व्हाट हुसैन हैदर फ्रॉम अखवत वाज सेइंग, दिस इज व्हाट नईम साहब 2 दिन से कह रहे हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको आपका इम्पैक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू। डॉक्टर साहब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि आपको ये पता होना चाहिए आज जब आप अपना आइडिया पिच करें कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं बहुत क्लियर, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो डुप्लीकेशन हो गई है, आपको इस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर इन थिंग्स दैट यू एम टू डू, द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, आपको आपकी मार्केट, आपको ये पता होना चाहिए आप किसके लिए कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और आप क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर साहब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
अरे बिल्कुल सही फरमाया जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और क्योंकि जब पिच कर रहे हो ना उस वक्त तो आपके पास टाइम ही थोड़ा है, आपके पास तो ये चंद सेकंड है सर, ये चंद सेकंड्स की अटेंशन स्पैन है, लोगों के पास टाइम और बिजी हैं, तो यू रियली हैव टू हिट इन दी आई बुल। तो उसमें ये इसमें दरख्वास्त ये है कि वो आप जो आइडिया पिच कर रहे हैं वो 4-5-6 दफा उसको MVP कर लें, यानी वो या देख लें, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ हो आपने, वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हों सर्विस का, ताकि वो आपके आपके एक्सपीरियंस उस दिलो जान में उतर चुके हो, बस ये रिक्वेस्ट है। और टाइम जब पिच कर रहे हो उस वक्त तो चंद मिनट चंद सेकंड्स होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है जो आई वुड वांट टू ब्रिंग इन अप, एंड डॉक्टर साहब वुड बी माय वैलिडेशन फॉर इट, विद ही सेड इट वाज वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर, वी डू नॉट हैव मैच्योर इन्वेस्टर इन पाकिस्तान। जी द इशू विद अस इज, विच इज आई वॉन्ट टू रिपीट, आप एक प्राइज मनी जीतते हैं, आप दोस्तों में डिवाइड करते हैं, या आप खाना खाने चले जाते हैं। जी आप जब तक इफेक्चुएशन थ्योरी नहीं करेंगे, जब तक आप घर बैठ के 5-10 हजार में वेंटिलेटर का जुगाड़ नहीं बनाएंगे, जब आप ये जी कहेंगे कि पहले मुझे AC दो, फिर मुझे कमरा दो, फिर मुझे आईफोन दो, फिर मुझे आईपैड दो, फिर मुझे एप्पल दो, मैं तब काम करूंगा, तो काम नहीं जी होगा। यू वुड जी हैव टू माश जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट ऑफ योर्स ऑन हाउ वी कैन हैव लोकल सोल्यूशन इन अ क्राइसिस सिचुएशन। माशाल्लाह जनाब, मुझे तो आपने आपने सारी बातें अच्छी कर दी हैं। तो इसमें सर यही है कि जो जिन लोगों की सलाहियतें हैं ना जी, जो जिसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी हुई है एग्रीकल्चर के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, वो अपना बर्ड इन हैंड देखें, अपना बर्ड इन हैंड, बर्ड इन हैंड। और दूसरा है अफोर्डेबल लॉस, हाउ मच आर यू विलिंग टू लूज, कि आप अपनी जान माल और वक्त में से कितना लगाने के लिए तैयार हैं। तो जो चिनोटी और मेमन भाई हैं, अगर 100 रुपया होता है तो वो 20 रुपये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर किसी के पास 100 रुपया है तो 20 रुपये का एक्सपेरिमेंट कर दो। अगर आपके पास 50 घंटे हैं तो आप उसमें से 6-7 घंटे लगा दो हफ्ते में। अगर आप जवान आदमी हैं तो अभी जवानी लगा दो, तो यानी आप बाकी कामों से हटाकर, यानी आप अपने मेन रेवेन्यू को कायम रखें, उसमें से कुछ जान माल वक्त लगाकर। तो इस कोरोना के इशू में हम ये कह रहे हैं कि ये जान माल वक्त अपना अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल कहते हैं, इसको देखते हुए अपनी सलाहियत दिखाएं। किसी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है महराज भाई कि मैं किसी को कहूं कि आप ये करो, वो हर आदमी के अंदर से एक अनोखी चीज निकलेगी। तो वो अनोखी चीज निकलने के लिए बस सिंपल असूल ये है कि अपना बर्ड इन हैंड को लेवरेज करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें। और ये इससे भी बड़ा काम होता है, ये अभी ना ऑक्सफोर्ड ने पेपर लिखा है एस्कटोलॉजी, वो कहते हैं कि एस्कटोलॉजी जो है ना जी, ये इसका तल्लुक है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। एस्कटोलॉजी कहते हैं जो जितना लंबा जो आखरत को देख के चलता है ना, ऑक्सफोर्ड से भी अल्लाह ने क्या कहलवा दिया कि जो आखिरत से देख के चलता है ना, वो बिलियंस ऑफ इयर्स को प्लान करता है, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म प्लान। प्लान जी एक है प्लानिंग, एक है लॉन्ग टर्म की जिंदगी को देख के चलना। प्लानिंग तो छोटी भी होनी चाहिए, दरमियाने भी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी काम करना चाहिए। तो वो लेकिन ये कि जिंदगी का जिसका पता हो कि मैंने हमेशा की जिंदगी में जाना है, एस्कटोलॉजी ये पेपर मेरे पास है गुमूजे का, और उसमें वो हमारे पास तशरीफ भी लाए थे। तो हम इसको ये देख रहे हैं कि कराची में सदीक साहब हैं इंडस हॉस्पिटल के चेयरमैन, और वो कहते हैं कि यार ये इस आखिरत के यकीन ने कि मैंने हमेशा की जिंदगी में जाना है और अल्लाह के यहाँ पहुंचना है, तो मैं इस जिंदगी के हर लम्हे को खिदमत के लिए लगाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का हर लम्हा खिदमत हो, कारोबार के जरिए, अस्पताल, यानी बिजनेस भी खिदमत है। यानी अगर आप अच्छा कारोबार करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं, तो ये भी खिदमत है, इसको दुनिया नहीं है, ये तो हमारे दीन में, ये दीन है, दुनिया इकट्ठे हैं। So thank you so very much, Dr. Saab. It was a pleasure having you. We are hosting our next hackathon with you in Karachi. So inshallah, आपसे मुलाकात भी होगी. बहुत शुक्रिया जी, मैं अल्लाह ब्लेस यू, एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।